Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to another tutorial. Finally, इतना डिले इसलिए हो रहा था ट्यूटोरियल्स में क्योंकि मैं अभी अभी नई जगह शिफ्ट हुई हूँ. एज यू कैन सी कि बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है. बहुत दुख हो रहा है कि बैकग्राउंड चेंज हो गया. डेफिनेटली पुरानी जगह की, पुराने घर की याद आती है, बट इट्स लाइफ, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. तो अभी 2 हफ्ते ही हुए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए हुए एंड ऑफकोर्स सेटल डाउन होने में काफ़ी टाइम लगता है. एंड ऑल्सो I was just taking things really slow. I want to stay away from social media थोड़े time के लिए, but मुझे पता है आप लोगों को कौन कौन से tutorials चाहिए एंड मैंने सारे note down कर रखे हैं आप लोगों की choices. And मैंने अभी एक नई चीज़ भी start की है कि मैंने थोड़ी थोड़ी blogging वापस से start की है, in which I show you new recipes and whatever my day looks like. तो अगर आपको वो पसंद है तो मुझे एक बार comments में ज़रूर बता देना. अगर आपको पसंद आएगा I will continue doing it. आज मैं आपको सिखा रही हूँ सुनी जो तेरी मुरली, जिसका मतलब रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा है. मैंने सोचा लेट्स शूट इट. पहला ट्यूटोरियल मेरा इस घर में यही होने वाला है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्यूटोरियल, फाइनली जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हूँ तो अब मैं अनाउंस कर सकती हूँ कि अगस्त की क्लासेस के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं. बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, तो अगर अब आप मुझे पर्सनली यू नो कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो डांस वन ऑन वन सेशंस के लिए, आपको मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करना है एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स. वीकली आपकी 2 क्लासेस होंगी, सो मंथ पूरे मंथ में 8 क्लासेस आपको मिलेगी एंड प्लेटफॉर्म गूगल मीट ही होगा. ऑल्सो संगीत की बुकिंग्स भी मैंने चालू कर रखी है अभी, ब्राइड की बुकिंग्स. ओके, सो अभी फिलहाल आई एम टीचिंग कोरियोग्राफीज टू ब्राइड्स. ओके, तो अगर आपकी शादी है एंड यू आर अ ब्राइड, यू वॉन्ट टू लर्न अ ब्यूटिफुल कोरियोग्राफी, या आप अपने पसंद से भी कोई गाना सीखना चाहते हो तो वो आप मुझसे कस्टमाइज करवा सकते हो, मुझसे कोरियोग्राफ करवा के कर सकते हो. तो अभी मैंने ब्राइडल कोरियोग्राफीज की बुकिंग जो है वो ऑन कर रखी है. तो या इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर स्लॉट, नवम्बर दिसंबर तक के स्लॉट्स मैंने ओपन कर रखे हैं. तो अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा एडवांस में. सो या लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल. दिस इज़ माय लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ माय राइट साइड. ओके, ये तो बहुत ही छोटा सा चंक है, तो ट्यूटोरियल छोटा सा ही होने वाला है एंड इतना ही चंक है जो काफ़ी ट्रेंडी है इंस्टाग्राम पे, तो हम इतना ही सीखेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सुनी जो तेरी मुरली. ओके, तो मैं मेरा राइट फुट बाहर निकाल करके अंदर खींचूंगी, थोड़ा सा लेफ्ट के पीछे जाएगा, ठीक है. एंड हम क्या करेंगे, राइट हैंड को भी एक्सटेंड करेंगे, वन, दिस इज द मुद्रा, वन, एंड कान पे लगाएंगे. जब हम कान पे लगा रहे हैं अपना हाथ, हमारा जो नेक है वो लेफ्ट के साइड मुड़ जाएगा. योर नेक मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है. उनके बिना पर डांस ग्रेसफुल कभी भी नहीं लगेगा. सेमी क्लासिकल की यही खासियत है. मैं अभी संगीत के भी कोरियोग्राफीज लाना स्टार्ट करूंगी, तो आप मुझे प्लीज़ गाने सजेस्ट कर दो, क्योंकि गाने मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे कि मुझे क्या लेके आने चाहिए. सो संगीत के गाने सजेस्ट करो और बताओ कि ट्यूटोरियल भी आपको कौन से गाने पे चाहिए, बिकॉज अभी यू नो शादी सीजन में सबको ज़रूरत पड़ती है. मैनी पीपल लाइक टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब इट सेल्फ, तो उन लोगों के लिए भी आई एम ट्राइंग कि संगीत के गाने की शॉर्ट वीडियोज़ में डालूँ और उनके ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँ. तो संगीत सीरीज़ वापस आने वाली है, पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी बीच में, बिकॉज आई वॉज सो मच फोकस्ड ऑन सेमी क्लासिकल, बट अभी संगीत सीरीज वापस स्टार्ट होने वाली है. तो प्लीज़ सजेस्ट मी सम सॉन्ग्स एंड सेमी क्लासिकल की भी सजेस्ट कर देना. एनीवे, तो आउट इन, अब हम मुरली बनाएंगे, ठीक है, और राइट फुट को हम आगे लेके आएंगे. सो वन एंड टू, ठीक है. उठाते हुए पैर को हमने बस मुरली बनाई है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे बना सकते हो, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद की स्टाइल ऐड करनी होती है. यू डोंट हैव टू कॉपी एनीवन. ओके, सो सुनी जो तेरी मुरली, ठीक है. पैर पीछे था, उठा करके हमने आगे प्लेस कर दिया थोड़ा सा क्रॉस करके, ठीक है. सो इट विल लुक लाइक दिस. सुनी जो तेरी मुरली, दिस इज अ लिटिल बिट फास्ट. चली रे चली रे चली रे. यहाँ से लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर पे, आई विल वॉक विथ माई राइट फुट. तो राइट हैंड पीछे, देन लेफ्ट फुट आगे, राइट हैंड आगे, then two, then three, okay. So one and two, one and two,
वन टू थ्री, तीन बारी करना है, ठीक है? चली रे चली रे चली रे पिया मोरे वो जुल्मी। इसमें हमें क्या करना है, वन, ये स्टेप बहुत ही कॉमन है, तो ये करके आप अपने लेफ्ट शोल्डर से मुड़ जाओगे। वन, दोनों हाथ वेस्ट पे। अब मैं पूरा टर्न लेके आगे की तरफ नहीं देख रही हूँ, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स माई राइट डायगनल, एंड यहाँ से लेफ्ट चेस्ट को मैं हिट करूंगी राइट हैंड से, एंड कमर मटकाऊंगी साथ में। सो वन टू थ्री, ठीक है? तो हमने क्या किया, चली रे चली रे चली रे पिया मोरे वो जुल्मी, ठीक है? गाऊं तेरे ही गीत क्यों। इसमें हमें क्या करना है, वापस सीधे हो जाना है राइट हैंड से, गाऊं, ठीक है? गाऊं तेरे ही गीत क्यों, गाऊं तेरे ही। देखो क्या करना है, हमें लेफ्ट फुट को पीछे ले जा करके वापस सामने ले आना है, एंड द लेफ्ट हैंड गोज लाइक दिस, वन, और लेफ्ट हैंड हमारा यही रहेगा कान के पास ही, एंड इससे हमें वायलिन बजाना है राइट हैंड से, वन एंड टू। गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई। राइट हैंड से हमें हमारा जो भी आपने पहना हुआ है घाघरा सूट व्हाटएवर, ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी प्रीत रे। इसमें हम लेफ्ट फुट को पीछे ले जाएंगे, एंड लेफ्ट डायगनल में वन एंड टू, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, वन टू, ठीक है? उसके बाद राइट साइड पे वन, राइट हैंड मेरा लेफ्ट के ऊपर है, देन टू, ठीक है? सो चढ़ गई तेरी प्रीत रे में हम वापस से वही वाला मूवमेंट करेंगे, लेकिन इसको करते करते हम राइट शोल्डर से पीछे मुड़ जाएंगे। सो वन एंड टू आउट, लेफ्ट फुट आउट लेफ्ट हैंड आउट, एंड देन ट्वेल्व, एंड दिस कंप्लीट द कोरियोग्राफी। मैंने ये सेक्शन इतना ही अपलोड किया था, बट आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था ट्यूटोरियल के लिए, उस पर कमेंट्स भी काफ़ी हैं, तो शुरू से हम एक बार इसको पूरा रिवाइज करते हैं विथ वर्ड्स धीरे धीरे, ठीक है? सुनी जो तेरी मुरली, चली रे पिया मोरे वो जुल्मी, गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई, ठीक है? चढ़ गई तेरी प्रीत रे, देन 12। तो ये कोरियोग्राफी इतनी ही थी, आई होप आपको पसंद आया हो ट्यूटोरियल। आप अपने सजेशंस और रिक्वेस्ट नीचे डाल सकते हो ट्यूटोरियल के, क्योंकि अब आपके पास ट्यूटोरियल्स बिल्कुल रेगुलर आने वाले हैं। मैं सेटल हो चुकी हूँ फाइनली, एंड फाइनली आई एम इन द मूड टू शूट। एक्चुअली द वेदर इज़ सो ह्यूमिड, इतना चिपचिप वाला मौसम है कि कुछ भी अगर मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ ना, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा स्वेटी स्वेटी हो जाती हूँ, एंड आई जस्ट हेट दैट फीलिंग। तो इसलिए इतने टाइम से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बट आई वॉज लाइक नहीं है, अब तो करना पड़ेगा। तो फाइनली बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन यूट्यूब। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है नीचे डाल दो, एंड संगीत के गाने मुझे डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो नीचे, जो अगर आपकी अपकमिंग शादी में आप परफॉर्म करना चाहते हो तो उससे आप मुझे आइडिया दे सकते हो, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। सो या सजेस्ट मी कि आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट, एंड फॉर क्लासेस पर्सनल वन ऑन वन अगस्त के मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, 30th of July इज़ द लास्ट डेट, और स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड रखने वाली हूँ इस बार, क्योंकि 4 स्लॉट्स से ज़्यादा मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। सो 4 स्लॉट्स हैं वन ऑन वन सेशन के, एंड बाकी जो भी है वो ब्राइड की बुकिंग्स हैं। सो इफ़ यू आर अ ब्राइड एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर परफॉर्मेंस विथ मी पर्सनली, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेम नंबर, एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।